बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाखून काटने का क्या तरीका है, क्या किसी हदीस में तरीका मौजूद है या नहीं? कुछ हजरात कहते हैं कि फला फला तरीका नाखून काटने का सुन्नत तरीका है। क्या नाखून काटने का कोई सुन्नत तरीका हदीस में नहीं है? शरीयत का क्या हुक्म है? मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ जो है मुख्तसर अल्फाज में बताऊंगा। जैसा कि नवादुरुल फिका में जो शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सफर नंबर 157 पे, इसके अलावा दूसरी किताबों के हवाला जात भी मेरे पास मौजूद है मोतबर किताबों के, जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़े हो रही है। हदीस में बात समझिएगा, नाखून काटने का कोई खास तरीका मुकर्रर नहीं है, मुतय्यन नहीं है, सबूत नहीं है उसका। हदीस में पूरे ज़खीरे हदीस में कहीं पर भी ज़ईफ हदीस में भी नाखून काटने का कोई सुन्नत तरीका हो, कोई जो है बेहतरीन तरीका जो है एक तरीका बताया गया हो, इस तरह नाखून काटो, कोई सबूत नहीं है पूरे ज़खीरे हदीस में। इसीलिए अगर कोई नाखून काटता है कहता है कि यह सुन्नत तरीका है, गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि हदीस से कोई नाखून काटने का तरीका साबित नहीं है। रही ये बात जो हम नाखून काटते हैं उसका क्या तरीका होता है, क्या वो सुन्नत नहीं है? नहीं, वो सुन्नत नहीं है, बल्कि आदाब में से है, बेहतर है, वो अच्छा तरीका है, वो भी कयासी तौर पर, कयासन उस तरीके को साबित किया गया है। उसके अलावा दूसरी दलीलें मौजूद हैं उसके मुतालिक। वो तरीका क्या है? वो तरीका यह है, दाहिने हाथ के इस उंगली से शुरू करें, इस उंगली से यानी शहादत की उंगली से, फिर उसके बाद बीच वाली उंगली से, फिर उसके साइड वाली उंगली से, फिर छोटी उंगली से, फिर उसके बाद आ जाए बाएं हाथ को, बाएं हाथ की छोटी उंगली को काटे, छोटी उंगली के जो नाखून है उसको काटे, फिर उसके बाद उसके साइड वाली उंगली को, फिर उसके बाद बीच वाली उंगली को, फिर शहादत की उंगली को, फिर मोटी उंगली को जो उसके जो नाखून है, बड़े मोटी सी उंगली की उसके जो नाखून है उसको काटे, फिर उसके बाद दाहिने हाथ का जो मोटी उंगली का जो नाखून छोड़ा था उसको काटे। यह तरीका जो है इमाम नौवी ने लिखा है और इसी तरह दूसरी किताबों में लिखा है, लेकिन यह तरीका कोई सुन्नत न समझे, कोई शरीयत का तरीका न समझे, हदीस से साबित न समझे, बल्कि इसको कयासी तौर पर साबित किया गया है, वो भी बेहतर बताया गया है, सुन्नत नहीं है। इसीलिए अपनी इस्लाह करें। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।